हेलो फ्रेंड, वेलकम टू संचारी आर्ट एकेडमी। तो पार्ट वन की वीडियो पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पेंसिल ड्राइंग दिखाए थे और आज की वीडियो पे मैं कलर करना सिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और मेरे चैनल पे नहीं हो तो एक सब्सक्राइब करके साइड पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं इस स्काई ब्लू कलर को यूज़ करती हूँ स्काई पे। तो मैंने स्काई कलर कर लिया। इसके बाद इस लेमन येलो कलर से मैं इस नीचे की पोर्शन पे कलर करती हूँ। और पार्ट वन की जो वीडियो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो मैंने येलो कलर कर लिया। आप मैं टिश्यू पेपर से इस कलर को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इस फिगर को कलर कर लेती हूँ। तो फर्स्ट मैं इस बनशाइना कलर से साइड की पोर्शन पे कलर कर लेती हूँ। हो गया। इसके बाद मैं इस पीच कलर से बाकी की पोर्शन कलर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इस फिगर पे जो लाइट एंड शेड है वो अच्छे से दिख जाता है। रेड कलर की जो ग्लास मार्किंग पेंसिल है उससे मैं इसका ये कलर कर लेती हूँ। हो गया। अब इस साड़ी का कलर करती हूँ। तो फर्स्ट मैं इस कैरामाइन कलर से इस साड़ी पे जो फोल्ड है वो कर लेती हूँ। और इस साइड पे मैं इस कलर को कर देती हूँ। इसके बाद मैं इस रेड कलर से बाकी की पोर्शन कलर कर लेती हूँ। हाथों से मैं अच्छे से कलर को रब कर देती हूँ। अब मैं इस ब्लू कलर से साड़ी पे जो फॉल्स है वो कर लेती हूँ। अब ब्लाउज पे मैंने इस पिंक कलर का यूज़ करूँगी। और डीप पिंक कलर से मैं लाइट एंड सेट को कर देती हूँ।
हो गया, बार्न शाइना कलर से मैं इस स्पॉट को कलर कर लेती हूँ। इस साइड पे थोड़ा सा लाइट होगा कलर, सेम प्रोसेस से इस स्पॉट का भी मैं कलर कर लेती हूँ। हो गया। अब मैं स्ट्री को कलर करती हूँ, तो इस ग्रीन कलर की ग्लास मार्किंग पेंसिल से मैं इस स्ट्री का जो लीप है वो मैं कर लेती हूँ। ट्री का मैं बॉर्डर कर लिया, अब मैं इस लाइट ग्रीन कलर से ट्री को कलर कर लेती हूँ। और इस आगे की पोर्शन पे इस लेमन येलो कलर को मैं कर देती हूँ। इससे क्या होता है, इस लिप को अच्छे से हाईलाइट हो जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं बाकी की पोर्शन पे इस लाइट ग्रीन कलर को यूज़ करती हूँ, इस डार्क ग्रीन कलर को थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। इसको कलर करती हूँ, तो फर्स्ट मैं इस डार्क ब्राउन कलर से इसको बॉर्डर कर लेती हूँ। ऐसे मैं कर लिया और बाकी की पोर्शन पे इस योलो होकर कलर को यूज़ करूँगी। मिडिल पार्ट में मैं बार्न शाइना कलर को यूज़ करूँगी थोड़े से पार्ट पे। ट्री का कलर कर लिया, अब मैं इस ब्लैक कलर से ऐसे सेट कर देती हूँ, हाउस को कलर कर लेती हूँ। तो रेड कलर से मैं हाउस का कलर कर लेती हूँ। अच्छे से रैप कर देती हूँ कलर को। इसके बाद इस ग्रे कलर से मैं इस साइड पे कलर कर लेती हूँ। ग्रीन कलर की ग्लास मार्किंग पेंसिल से ये ट्री को बॉर्डर कर लेती हूँ। ऊपर की पोर्शन पे लेमन येलो और नीचे की पोर्शन पे डार्क ग्रीन। और मिडिल की पोर्शन पे लाइट ग्रीन।
सेम प्रोसेस से मैं इस ट्री को भी कलर कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इस फिगर का भी कलर कर लेती हूँ। तो फर्स्ट बॉर्डर कर लेती हूँ। और पीच कलर से मैं बाकी का पोर्शन कलर कर लेती हूँ। और अब इस ब्लू कलर से मैं इस पे थोड़ा सा बॉर्डर कर लेती हूँ। और रेड कलर से इस क्लॉथ को कलर कर लिया। और अब मैं इस क्रोम येलो कलर से इस ड्रेस को मैं कलर कर लेती हूँ। और इस कलर से थोड़ा सा शेडो, इस कलर से मैं ड्रेस पे डिज़ाइन कर देती हूँ अच्छे से। और अब इस कोबाल्ट ब्लू कलर से मैं इसकी पैंट को कलर कर लिया, हो गया। इसके बाद इस नीचे के पोर्शन को कलर करती हूँ। तो इस पिंक कलर से मैं इस पोर्शन का कलर कर लेती हूँ। और नीचे के पोर्शन पे फर्स्ट मैं इस वर्मिलियन कलर से कलर करती हूँ। हाथों से मैं अच्छे से रैप कर देती हूँ इस कलर को। और इसके बाद मैं इस डार्क ब्राउन कलर से इस पोर्शन पे मैं कलर करती हूँ। हो गया। और अब इस बर्नशाइना कलर से मैं इसको कलर करती हूँ। और मिडिल की पोर्शन पे इस येलो ऑकर कलर को यूज करती हूँ। हो गया। इसके बाद दूर की पोर्शन पे जो ट्री है उसको कलर करती हूँ। तो इस कोबाल्ट टर्कोइज ब्लू से मैं इस ट्री को कलर कर लेती हूँ। और अब मैं इस लेमन येलो कलर से इस ऊपर की पोर्शन पे थोड़ा सा कलर कर लेती हूँ। इस पोर्शन पे भी
और अब इस लाइट ग्रीन कलर से मैं बाकी का पोर्शन कलर कर लेती हूँ। और इस नीचे की पोर्शन पे मैं पूरा इस लाइट ग्रीन कलर को भर देती हूँ। तो मैंने ग्रीन कलर पूरा भर लिया। अब मैं थोड़े थोड़े जगह पे इस डार्क ग्रीन को यूज़ करती हूँ। मैं टिश्यू पेपर से इस ग्रीन को अच्छे से रब कर लेती हूँ। अब मैं रास्ते का कलर कर लेती हूँ। और इस जगह पे मैं इस कलर को कर देती हूँ और इस ट्री का कलर हो गया। अब मैं इस येलो ऑकर कलर से बाकी का पोर्शन कलर कर लेती हूँ। हाथों से थोड़ा रब कर देती हूँ, इससे कलर को देखने में अच्छा लगेगा। बाकी का जो ट्री है उसको कलर कर लेती हूँ। इस कोकोनट ट्री को हो गया। और इस ट्री को मैं कर लेती हूँ। और इस सैप ग्रीन कलर से मैं इस लिप को कलर कर लेती हूँ। और इस डार्क ग्रीन से इस पुशियन ब्लू कलर से इस फ्लावर को बॉर्डर कर लेती हूँ। डार्क ग्रीन कलर से मैं बाकी का कलर कर लेती हूँ।
फीका कलर कर लिया। अब मैं दूर पे जो हाउस है उसको कलर करती हूँ। इसके बाद इस ब्राउन कलर से मैं इस शिप को कलर कर लेती हूँ और पिंक कलर से मैं इस पोर्शन का कलर कर लेती हूँ। और स्कैरामाइन कलर से मैं इस साइड पे थोड़ा सा कलर करती हूँ। हो गया। इसके बाद मैं पानी का कलर कर लेती हूँ। तो इस कोबाल्ट ब्लू कलर से मैं इस साइड पे कलर कर लेती हूँ फर्स्ट। इसके ऊपर स्काई ब्लू कलर को यूज करती हूँ। ऊपर की पोर्शन पे थोड़ा सा इस लेमन येलो और इस ट्री का शैडो। और अब मैं टिश्यू पेपर से इस रिवर का कलर रैप कर लेती हूँ। इस पुशन ब्लू कलर से मैं पानी का जो लहर है वो कर लेती हूँ। हो गया। और इस पिंक कलर से मैं थोड़ा सा शेडो कर देती हूँ। हो गया। इसके बाद मैं ब्लैक कलर से इसका जो हेयर है वो मैं कर लेती हूँ। रेड कलर से मैं हाथों पे कर देती हूँ। हो गया। और अब ग्रीन कलर से मैं इस ट्री को कलर कर लेती हूँ। और इस ब्राउन कलर से ये कर देती हूँ। और इस डार्क ग्रीन से थोड़ा थोड़ा मैं ये ग्रास कर देती हूँ। तो मेरा ड्राइंग एकदम कंप्लीट है। वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।